नमस्ते व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आइए हम चलते हैं सरवना भवन, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइजी है साउथ इंडियन खाने का। तो फटाफट खाते हैं खाना और देखते हैं कैसा लगा हमें इस रेस्टोरेंट में। इन लोगों ने पूरा मेंशन किया है कि इनके चेन्स और फ्रेंचाइजीज कहाँ कहाँ पे है। सिंगापुर, हांगकांग, ओमान, मलेशिया, थाईलैंड में भी है भाई। तो हम क्योंकि थाईलैंड में रहे हैं तो बैंकॉक, सिलोम, सुखुमवित में है। और देखते हैं नेदरलैंड्स में, एम्स्टरडम, एम्स्टरवीन और हम द हेग। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम अभी जल्द ही में नीदरलैंड्स आए हैं। बहुत कम रेस्टोरेंट्स देखा है हमने, लेकिन जितने भी देखे हैं काफ़ी छोटे हैं। ये बहुत पुराना रेस्टोरेंट है और काफ़ी पुरानी सिटी में है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं। वेटिंग एरिया और पूरा का पूरा जो एम्बियंस है बिल्कुल साउथ इंडियन, टिपिकल साउथ इंडियन। गणपति बप्पा भी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें दिखा कॉफ़ी बनाने की मशीन, ठीक हमारे साउथ इंडिया जैसा। Let us have a look on the menu. Rasam, 3 euros. ये जो आपको numbers दिख रहे हैं ना, ये हैं euros. फटाफट पन्ने पलटते हैं, आप देखिए मेन्यू, हम करते हैं खाना ऑर्डर। बड़े आराम से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने में मिलेगी आपके पसंद की चीज़। बाय द टाइम हम करते हैं सेलेक्ट कि हम लोगों को क्या चाहिए। हम बताना चाहते हैं कि हम लोग टोटल 2 फैमिली थे, जिनमें 2 हस्बैंड्स, 2 वाइफ्स और 2 ऐसे छोटे बच्चे थे जिन्होंने बिल्कुल खाना नहीं खाया, थोड़ा मोड़ा खाया होगा। पर पर्सन हमने एक डिश तो ज़रूर ऑर्डर की, हमने 2 लस्सी भी ऑर्डर की थी। फिर हम अपने फैमिली के लिए कुछ खाना भी पैक करवा के ले जा रहे थे। इसके लिए ये वाला लिंक क्लिक करके देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कुछ फैक्ट्स द नेदरलैंड्स के बारे में। और जो मेन मुद्दा है वो ये कि टोटल बिल था सिर्फ 74 यूरोज। ये देखने में बहुत फनी लग रहा था कि इंडियंस से ज़्यादा तो फॉरेनर्स यहाँ बैठ के खा रहे थे। I'm gonna tell you what is cheese masala dosa. Thin rice and lentil crepe filled with grated cheddar cheese, potatoes and onions. Yeah, mango lassi. और ये है रुपिन का कचड़ा फैलाया हुआ। टन टन टन। ये रहा हम लोगों का खाना, ये चीज डोसा। यहाँ पे रुपिन भी, रुपिन को खिला रहे हैं। रुपिन, यू लाइक इट? ओके, अगर के आई लाइक इट। ओके राहुल, यू लाइक इट? हाँ, ओके, यस यस। बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, एक लोग उठ रहे थे तो दूसरे लोग बैठ रहे थे। अगर वेकेशन टाइम चल रहा है तो आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन करा के जाना है, क्योंकि हो सकता है आपको सीट ना मिले। जो खाना हमने ऑर्डर किया पैक कराने के लिए, वो भी बनने में काफ़ी टाइम लग रहा था, सो वी वेटेड फॉर सम टाइम। फाइनली फाइन डाइन के लिए सरवना भवन हमें क्यों चूज़ करना चाहिए, उसके पॉइंटर्स हैं। साउथ इंडियन टेस्ट वॉज रियली ऑथेंटिक। नंबर 2, रीजनेबल प्राइस था। नंबर 3, High chairs for kids were available. Number 4, nice hospitality. Number 5, most of all, washroom facility was there. इसी के साथ हमने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया और फिर हम घर आ गए। लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। जो खाना हमने पैक करवाया था डिनर के लिए, वो भी बहुत अच्छा था टेस्ट में। तो बस इसी के साथ I'll put an end. Until we meet next, bye bye.